Hello everyone, how are you guys doing? This is Professor Siddharth Surana, Chartered Accountant, teaching Direct Tax to CA students all over the world. I have told you all that as and when your exams are coming closer, धीरे धीरे मैं ये regularly revisional videos आपको release करते जाऊँगा. You already have some videos, you can subscribe to my YouTube channel, आपको वहाँ पर और भी revision के videos मिलेंगे, कुछ case laws के, कुछ important concepts के, कुछ अमेंडमेंट्स के. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग एन अमेंडमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस इन अवर चैप्टर कैपिटल गेन्स, जिसका इंपॉर्टेंस बोलने की जरूरत नहीं. आजकल तो क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी क्वेश्चन में ही कैपिटल गेन्स आईसीएआई ने पूछना शुरू कर दिया है. अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस इन कैपिटल गेन्स का सेक्शन 50C, यानी सेक्शन 50C. बिफोर गोइंग टू दैट अमेंडमेंट, पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजन को थोड़ा ना अच्छे से समझ लो, फिर आपको अमेंडमेंट बताऊंगा और उसके बाद में वी विल लर्न एन एग्जांपल एंड आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस. Okay, understand here what is taking place is sale of immovable property, where you know this for a fact that immovable property का एक stamp duty value decided by local authority होता है, जिसके ऊपर अलग अलग state में अलग अलग rates है. जैसे महाराष्ट्र में 5% है, you have to pay stamp duty if you want to register a property in your name. मतलब seller के लिए income है and buyer के लिए अपने नाम पे register कराने के लिए stamp duty has to be paid. बट सेलर दो टाइप के होते हैं. टाइप वन सेलर इज वन हु इज होल्डिंग द कैपिटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड टाइप टू इज दैट पर्सन जिसका इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक है. यानी डिफरेंस सिर्फ इतना है, कैपिटल गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन दोनों भी हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. एंड जहां तक बायर का सवाल है, बायर विल ऑलवेज बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. हाउ? सपोजिंगली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 5 crore. And you are selling it for 1 crore. तो buyer का tax treatment बहुत easy है. 5 crore की चीज़ 1 crore में मिल रही है. 4 crore is his taxable income under IFOS. Please, ICAI ना आपको confuse करता है ये बोल के purchased a property for 1 crore. Purchase, कोई को देखता purchase मतलब it cannot be taxable income. पर purchase किया है लेकिन less than market value, no? So difference between the market value, that is stamp duty value for immovable property, and purchase price will be taxable under income from other sources. Buyer का tax treatment बहुत easy है. So buyer under section 56 has to offer under IFOS the difference between stamp duty value and amount paid. जहां तक seller का सवाल है, for the seller under capital gain section 50C applies, and for the seller under business profession section 43CA applies. That seller of the capital asset or seller of the stock in trade in the respective section has to, भले उसको actually 1 crore ही मिला क्योंकि buyer ने 1 crore दिया ना, उसको capital gain या PGBP as the case may be has to offer the stamp duty value as selling price. यानी आपको 1 crore मिला तो भी आपको 5 crore in capital gains या in business देना पड़ेगा. And for the buyer, the difference between 5 crore and 1 crore, 4 crore is taxable IFOS. Story goes further. अब तक भी मैं amendment के ऊपर नहीं आया. Story goes further. बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले ना अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बुकिंग पे ले लेते हैं. जब बिल्डर लॉन्च करता है, न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा एड देके, स्विमिंग पूल का फोटो देके उल्लू बनाता है, और उसके अंदर हमने अगर 1 crore में फ्लैट बुक कर दिया, वी विल ऑब्वियसली पे फुल अमाउंट, क्योंकि बाय द टाइम बिल्डिंग रेडी होगा तब तक जो उसका वैल्यू हो जाएगा उतना हम लोग कभी जिंदगी में शक्ल देखो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. तो कॉन्सिक्वेंटली बुकिंग के टाइम पे हमने पूरा पैसा दे दिया 1 crore. एंड हमको पोजेशन मिला थोड़े साल के बाद, बाय द टाइम वी गेट पोजेशन द वैल्यू इंक्रीजेस, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इंक्रीजेस टू 5 crore. तो अब प्रॉब्लम ये होगा दैट द सेलर विल रिकॉग्नाइज इनकम इन द ईयर ऑफ पोजेशन एंड द बायर विल ऑल्सो शो IFOS इन द ईयर ऑफ पोजेशन. जिस साल वैल्यू 5 crore है एंड कंसिडरेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट इज ओनली 1 crore, ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ पोजेशन बायर कुछ एक्स्ट्रा तो देगा नहीं, बिकॉज उसने अपना पूरा का पूरा एडवांस में ही पेमेंट कर दिया था. तो क्या हो रहा है, द असेसिंग ऑफिसर इज टैक्सिंग अंडर IFOS 4 crore rupees, बिकॉज जिस दिन पोजेशन मिला उस दिन वैल्यू 5 crore हो गया, एंड इन दोनों के लिए सेलिंग प्राइस 5-5 crore rupees ले रहा है. तो इन दोनों सेक्शन में, यानी बिजनेस प्रोफेशन के सेलर के लिए एंड IFOS में बायर के लिए, देयर वाज अ सिस्टम दैट अगर आपको पोजेशन डेट यानी 5 साल बाद का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेना है तो कोई बात नहीं. जिस दिन आपने बुकिंग यानी कि अग्रीमेंट किया उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था, से 1 crore 5 lakh, तो नो प्रॉब्लम, यू विल पे टैक्स नॉट ऑन 5 करोड़ माइनस 1 करोड़ का IFOS, यू विल पे टैक्स ऑन 1 करोड़ 5 लाख माइनस 1 करोड़, दैट इज 5 लाख जो 50,000 के लिमिट से ज्यादा है, एंड दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर दिस मैन. अगर इसकी बात करो, ही हैज गॉट 1 करोड़ मगर अग्रीमेंट की डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख था, तो इसको बिजनेस प्रोफेशन के सेल्स में 1 करोड़ 5 लाख के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ेगा. Okay, he does not have to offer 5 crore as sales in profits and gains of business or profession. Isko bolte hain the option to take agreement date stamp duty value instead of
पोजेशन डेट जो बायर के लिए हमेशा से अवेलेबल था इन सेक्शन 56, पीजीबीपी के सेलर के लिए अवेलेबल था, लेकिन कैपिटल गेन्स के सेलर वाले के लिए अवेलेबल नहीं था। मीनिंग देयर बाय, अगर किसी के पास एक ही घर है और उसने बेच दिया, पहले अग्रीमेंट किया और बाद में पोजेशन दिया, तो ही हैज टू टेक द पोजेशन डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज सेल कंसिडरेशन अंडर कैपिटल गेन। उसको अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का ऑप्शन नहीं है। द amendment that has taken place in section 50C is that with effect from assessment year 17-18, even the seller under capital gains, the seller of capital asset who is selling immovable property held as capital asset, will be eligible to take agreement date stamp duty value instead of possession date। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा अच्छा जो business profession और capital gains पहले थोड़ा अलग था अब same हो गया, नहीं इधर भी एक फंडा है, and most probably you are going to be tested on that only, that इनको इनको इनको, अब तो तीनों को अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेने का ऑप्शन अवेलेबल है। इफ दे हैव रिसीव्ड सम कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, दे हैव रिसीव्ड एंड इनके लिए ऑब्वियसली पेड बिकॉज़ ये बायर है, लेकिन एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट दे शुड हैव पेड इन अ मोड अदर देन कैश, दे शुड हैव रिसीव्ड, ये एग्जिस्टिंग रूल है, ये दोनों एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट इधर आया बाय अ मोड अदर देन कैश, लेकिन 50C के अंदर जो अमेंडमेंट आया वो बोलता है दैट ओनली इफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। और क्वेश्चन कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखो। एक्स इज डूइंग बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, यानी 43CA वाला केस, बिल्डर वाला केस। इसने अग्रीमेंट बनाया कि वाई मैं तेरे को मेरा घर बेचूंगा, मेरा जो स्टॉक है वो बेचूंगा फॉर ₹30 lakhs, सो ऑब्वियसली वाई इज गोइंग टू पे हिम 30 lakhs। दिस अग्रीमेंट वॉज मेड ऑन 10th October 2015, यानी फाइनेंशियल ईयर 15-16, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख का था ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, और उस दिन वाई ने एडवांस दिया बाय क्रॉस चेक ₹5 lakh ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। एक साल बाद ऑन 10th October 2016 पोजेशन जब दिया, तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 से बढ़ के 50 लाख हो गया। लेट अस डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एक्स एंड वाई। एक्स इज सेलिंग प्रॉपर्टी, हैज टू ऑफर बिजनेस इनकम बिकॉज ये डीलर ऑफ रियल एस्टेट है, and Y is receiving, he has to offer under income from other sources. X को as per the provisions of 43CA profits and gains of business or profession के अंदर selling price stamp duty value, लेकिन 10th October 16 का नहीं लेना है और 15 का लेना है तो भी चलेगा, 40 लेना है तो भी चलेगा, that is agreement date stamp duty value चलेगा, because the consideration is received in a non-cash mode, 43CA को non-cash mode चाहिए, cross check is non-cash, तो वो ले सकता है। And has to offer 40 lakhs in PGBP. हाँ, मिला 30 है, लेकिन 40 के ऊपर tax नहीं। Let us talk about why. Why के लिए property received at concessional value है। Why ने pay किया 30 लाख है, लेकिन जो property वैसे मिला है तो 50 है, लेकिन agreement की date पे 40 था। He has the option to take agreement date stamp duty value instead of possession date. Once again, because the amount is at the time of agreement, the advance is not received. The advance is paid by Y in a non-cash mode. Section 56 also requires a non-cash mode. So, iske liye 40 minus 30 equal to 10 taxable and not 50 minus 30 equal to 20. That is the option to take agreement date stamp duty value. Ye wala jo option hai, iske liye tha, lekin 50C wale ke liye to tha hi nahi. To capital gains wale ko to 50 lakh ke upar hi tax bharna tha. Ab amendment kya aaya? Capital gains mein bhi aap 50 ki jagah 40 ke upar tax bhar sakte ho. People are very excited now. Capital gains also agreement date. Capital gains also agreement. Agar ye question ke andar ek sentence add hua, which is the style in which ICAI is always asking questions. What if X is a dealer of food grains? That means iske paas jo immovable property hai, wo stock nahi capital asset hai. That means X jab bechega, तब 43CA नहीं 50C लगेगा, तब कैपिटल गेन्स होगा, नॉट बिजनेस प्रोफेशन। अंडर हिज कैपिटल गेन्स हिज सेल कंसिडरेशन हैज टू बी 50 लाख। आप बोलोगे क्या बोल रहा है, अमेंडमेंट हो गया मतलब उसको भी तो अग्रीमेंट डेट अलाउड है। अलाउड है, बट ओनली इन 3 मोड्स, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्रॉस चेक इज नॉट कवर्ड, कॉन्सिक्वेंटली 50C के अंदर इसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ही हैज टू पे टैक्स ऑन 50 लाख सेल कंसीडरेशन, ऑब्वियसली माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन जहां तक वाई का सवाल है, वाई का सवाल देखो, इसको तो दो ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल बट ओनली 3 मोड्स, सो ये क्रॉस चेक में नहीं मिलेगा। मगर जहां तक वाई का सवाल है, इसको कोई चेंज नहीं आएगा। ही हैज टू पे टैक्स ऑन 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 ओनली, बिकॉज 56 का रिक्वायरमेंट इज अदर देन कैश। अगर ये डीलर ऑफ प्रॉपर्टी होता तो 43CA का रिक्वायरमेंट इज अदर देन कैश। लेकिन अगर ये कैपिटल एसेट की तरह सेल कर रहा है, इफ ही इज हैविंग इनकम अंडर कैपिटल गेन्स, तो
50C लगेगा, 50C के हिसाब से यू हैव टू टेक योर एडवांस ओनली इन थ्री मोड्स एंड दिस इज द स्टाइल इन विच दे विल आस्क अ क्वेश्चन. आज से 2-3 साल पहले आरटीपी में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था जब कैपिटल गेन्स वाले को ऑप्शन ही नहीं था, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही इज अ फूड ग्रेन डीलर. तो रियल एस्टेट वाले को ऑप्शन इज अवेलेबल एंड फूड ग्रेन वाले को अवेलेबल ही नहीं, कैपिटल गेन्स वाले को अवेलेबल ही नहीं था. वी वर नॉट चेकिंग एनीथिंग. अब अवेलेबल तो हो गया, सो पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस अमेंडमेंट. अवेलेबल अवेलेबल तो उसका भी 40, इसका भी 40, उसका भी 40, इसका भी 40. नो, इसको वो ऑप्शन मिलेगा ओनली इफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट प्रोबेबली यू मे बी टेस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. देयर इज स्टिल सम डिफरेंस. किसी किसी को लग रहा है ये दोनों सेक्शन एकदम सेम हो गया अभी तक, ये वो डिफरेंस है 43C और 50C में, आज भी ये डिफरेंस है. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू क्लियरली इंटरप्रेट दिस डिफरेंस बिफोर राइटिंग योर आंसर. दिस इज द जॉइंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 50C फॉर कैपिटल गेन्स अलॉन्ग विद इट्स अमेंडमेंट. बट बी केयरफुल दैट द अमेंडमेंट इज अलाउड ओनली इफ थ्री मोड्स अलॉन्ग विद दैट 43CA फॉर बिजनेस प्रोफेशन एंड 56 फॉर immovable property held as stock in trade. I hope you have enjoyed this video and subscribe to my channel because I will be regularly sending you these revisional videos. This is Professor Siddharth Surana. Thank you very much.